दोस्तों, पहले हम लोग सिर्फ सुनते आ रहे थे कि जब ऊंची जाति के लोग, ऊंची जाति समझ रहे हो ना, ऊंची जाति के लोग जब निम्न जातियों के बस्तियों में, यानी पिछड़े अति पिछड़ों के जब बस्तियों में आते थे, और उस वक्त यदि वो पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग खाट पर बैठे होते थे या फिर कुर्सी पर बैठे होते थे, तो उतर कर नीचे बैठ जाते थे या फिर उठ कर खड़े हो जाते थे। और अगर ऐसा नहीं करते थे तो फिर उन्हें अंजाम भुगतना पड़ता था, उनके साथ मारपीट किया जाता था, सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। लेकिन मुझे लगा कि यार वक्त बदल चुका है तो ये सारी व्यवस्थाएं परंपराएं बदल गई होंगी, लेकिन नहीं, सामंतियों के द्वारा बनाई गई यह घिनौनी व्यवस्था आज भी दलितों का दम घोट रही है। दोस्तों, जो वीडियो आपने अभी देखा है, दरअसल ये वीडियो मध्य प्रदेश के मऊगंज के चितई गांव की बताई जा रही है, जहां पर बनियान पहना हुआ शख्स, यानी संडो गंजी पहना हुआ जो व्यक्ति है वो है अशोक कुमार साकेत, जो कि दलित समाज से हैं, और जो हाफ टी शर्ट पहना हुआ व्यक्ति है ब्लू रंग का हल्का सा, वो है मयंक द्विवेदी, जो कि ब्राह्मण समाज से है। दरअसल बताया जा रहा है कि अशोक कुमार साकेत जो है कि अपने घर के सामने कुर्सी निकाल कर बैठे हुए थे, तभी उधर से मयंक द्विवेदी जो है कि आ रहा होता है। अशोक कुमार साकेत जो कि दलित समाज से है, उनको कुर्सी पर बैठा देख उसका जातिवादी दहशतगर्दी ईगो हर्ट हो जाता है। यानी एक दलित समाज को कुर्सी पर बैठा देख उसे चुभने लगता है और सोचता है कि एक ब्राह्मण को देखकर एक दलित समाज का व्यक्ति कैसे बैठा रहा, खड़ा क्यों नहीं हुआ, मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया, उसको वहीं पे गाली गलौज करने लगा। लेकिन अशोक चाचा ने अच्छा सा सबक सिखा दिया। अशोक चाचा ने क्या खूब कहा है कि यदि भाई बंधु बनकर आओगे, यानी कि तुम्हें यदि इज्जत चाहिए तो भाई बंधु बनकर आओगे तो इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, लेकिन तुम इस अहंकार में आओगे कि मैं ब्राह्मण हूं और वो चमार है तो मैं तुम्हें घंटा भी इज्जत नहीं दूंगा, चाहे मेरी गर्दन कट जाए या मुझे इसके लिए गर्दन काटनी पड़े, मगर हम तुम्हारे जैसे जातिवादी गुंडों के सामने झुकेंगे नहीं। खैर कुछ भी हो, मुझे लगता है कि यहाँ पर चाचा जी का तो सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये जो घटना घटी है या घटनाएं ऐसी व्यवस्थाओं का दमन सहने वाले उन हजारों दलितों करोड़ों दलितों के अंदर एक आत्मसम्मान भरता है, एक हिम्मत भरती है और ऐसी होने वाली हजारों घटनाओं को रोकती है। खैर कुछ भी हो, मुझे यहाँ पर एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चाचा में इतनी हिम्मत आई कहाँ से, आत्मसम्मान आया कहाँ से? क्या ये किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, या फिर पीछे दीवार पर लिखे जय भीम के कारण हो रही है? खैर कुछ भी हो, चाचा ने यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से तो दे ही दिया है। आपको गाली नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो सरकार यह संदेश दे रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरी तरफ जातिवाद, भेदभाव, उच्च नीच का भेदभाव मिटा नहीं पा रही है। खैर कुछ भी हो, मुझे लगता है कि ऐसे जातिवादी गुंडों के लिए, ऐसे चूतियों के लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाना चाहिए, जहां पर जातिवाद को पागलपन और जातिवादियों को पागल घोषित करके इनका अच्छे से इलाज किया जाना चाहिए। खैर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसे चूतियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे।